नंद बाबा को जैसे ही पता चला कि हमारे घर में लाला हो गया है, नंद बाबा आह्लाद से भर गए, आनंद से भर गए और बड़े उमंग में भरे हुए यमुना जी में जाकर स्नान किया, सुंदर श्रृंगार धारण किया, सज धर के नंद बाबा और अपने लाला के दर्शन के लिए आए। अलंकृतः, अलंकार धारण क्यों किए? भगवान के सामने जाओ ना तो ज्यादा दीन दुखी बन के मत जाओ। दीन बनना अलग बात है और दुखी बनकर दिखाना, जबरदस्ती नाटक करना वो अलग बात है। हृदय से दैन्यता हो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऊपर से हम दिखाएं अरे भगवान ये क्या जीवन है, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, तो हमारे ठाकुर जी कहेंगे जब भी आता है रोते हुए आता है। अरे कभी तो प्रसन्न होकर आ। सोडानी जी वृंदावन में एक महात्मा थे, यमुना जी के तट पर ही रज में ही पड़े रहते थे, उन्हें कोई झोंपड़ी भी जीवन में नहीं बनाई, ऐसे ही पड़े रहते थे खुले में। और वस्त्र के नाम पर टाट लपेटते थे, कोई वस्त्र वस्त्र धारण नहीं करते थे ज्यादा। लेकिन जब वो बांके बिहारी जी का दर्शन करने आते तो उन्होंने कुछ व्यवस्था कर रखी थी, तो सुंदर बढ़िया बगलबंदी पहन लेते, थोड़ा कुछ अचला लगा लेते और बढ़िया माला वाला पहन करके सुंदर सज धज के आते, और जैसे ही बिहारी जी से जाते तो उन वस्त्रों को प्रणाम करके रख देते और बस ऐसे ही जहां मस्त पड़े रहते जहां तहां। तो ब्रजवासी छोराओं ने पूछा, लाला ने पूछा, बाबा सारे दिन तो यार रज में पड़े रहो और बिहारी जाओ तो बड़े सज धज के जाते हो, क्या बात है? बाबा के नेत्र भर आए और रोते रोते बाबा ने कहा कि मैं अपने ठाकुर से जब मिलने जाऊं तो ऐसा बनकर जाऊं कि ठाकुर को मुझे देखकर ये ना लगे कि मेरे भक्त दुखी हैं, वो देखकर प्रसन्न हो के मेरे भक्त बड़े मौज में हैं। मैं ये क्यों दिखाऊं कि उनके प्यारे, क्योंकि अपना प्यारा कोई हो और वो दुखी दिखे तो दुख होगा, तो मुझे कहीं फटे हाल देख करके, टाट लपेटे देख करके ठाकुर जी को कहीं दुख ना पहुंच जाए, इसलिए मैं वहां सज धज के जाता हूं। तो हमारे नंद बाबा भी जब गए तो स्नाता सुचिर अलंकृता, स्नान किया, पवित्र हो गए और सज धज करके सुंदर वस्त्र धारण करके पहुंच गए। आहो ये विप्राण वेद ज्ञान, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और वेदज्ञ ब्राह्मणों ने आकर के विधि पूर्वक शास्त्र विधि से जात कर्म संस्कार संपन्न कराया है।